जुनेद मामले में आज पुलिस ने शेर मोहम्मद रूपड़ा का इरशाद चेयरमैन रावली, शमसुद्दीन चेयरमैन पुनाना, रशीद वकील पुत्र सारखा निवासी पुनाना सहित करीब 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है इन लोगों ने पुनाना रोड पर जाम लगाया और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसी के साथ साथ गाड़ी में आग भी लगा दी, जिसकी वजह से कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। पुलिस के बार बार मना करने पर भी भीड़ नहीं मानी और साथ ही साथ कोविड-19 की गाइडलाइंस का भी उल्लंघन किया है। अब पुलिस ने इन पर धारा 147, 148, 149, 186, 188, 332, 353, 307 और 435 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि मृतक जुनेद पुत्र रोजदार उर्फ जुल्ला निवासी जमालगढ़ की मृत्यु का आरोप फरीदाबाद साइबर क्राइम पुलिस कर्मचारियों पर लगाया गया है। साथ ही आरोपी पुलिस वालों पर मेवात के सामाजिक लोगों के संघर्ष और मांग के बाद आईपीसी की धारा 302, 342 और 34 के तहत थाना बिछोर में मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिनके नाम कुछ इस तरह हैं: एसआई राजेश, एसआई सुरजीत, एचसी नरेश, एचसी दलबीर, एएसआई नरेंद्र, एएसआई जावेद और एसएचओ बसंत। जबकि एडवोकेट रशीद अहमद का कहना है कि हमने अपना काम कानून के मुताबिक किया है, हमने न जाम लगाया है और न ही भीड़ को जाम लगाने पर उकसाया है। जिस भीड़ ने जाम लगाया है हम उसके साथ नहीं हैं, बल्कि हमने तो सभी से जाम न लगाने की अपील की थी। एडवोकेट रशीद अहमद का कहना है कि मैं पुलिस प्रशासन से अपील करता हूँ कि जुनेद पुत्र रोजदार उर्फ जुल्ला के आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले और हम पर जो झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं उनको पुलिस प्रशासन वापस ले। जो गलत करे वो भुगते को आपको कोई हिमायत ना हो, वो या को अगर तुमने न्याय चाहिए तो न्याय का तरीका तो शांति तरीका से होता है। जो ये हुड़दंगबाज ये बदमाशी कर रहे हैं ना, ये सिवा नुकसान की जड़े कोई फायदा ना आया। अब कोई अपना आदमी हो तुमने बुला लो, कोई हमदर्द ना पड़ेगा। पीछे आपात तोड़ फोड़ करे वो कोई पुलिस को देखो, कोई हमदर्द ना आया। हर चीज़ के तरीका हो, तरीका से बात हो जाएंगी, प्रशासन से बात होगी, न्याय की बात होगी, फायर की। लेकिन ये हुड़दंगबाजी और गलत काम मत करो। परिवार वाले सदस्यों ने दरखास्त दी थी थाना बिछोर को, ये सात पुलिस वाले जितने बाई नेम दिए थे और कुछ उसमें चार पांच अन्य के नाम थे, उनके खिलाफ आज पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज कर लिए। हम पुलिस कप्तान बिजलाने के इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं और आगे हम ये भी कहते हैं कि हमने जो भी काम किया है और जो कल हमने स्ट्रगल किया था, हमने कानून के दायरे में रह के किया था, हमने कोई इलीगल काम नहीं किया था। जिन लोगों ने कोई तोड़ फोड़ या कोई बदतमीजी प्रशासन के साथ की है, हम उनके साथ नहीं है और ना ही हम ऐसे कभी गलत काम करते हैं। हम एक लॉयर हैं, कानून को जानते हैं, हमने हमेशा कानून के दायरे में काम किया है। हम ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते कि जिससे कानून व्यवस्था खराब हो या आम आदमी को परेशानी हो, हम वो काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है फरीदाबाद पुलिस के क्राइम फरीदाबाद पुलिस के खिलाफ और जुनेद के मामले में, उनको प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और जो हमारे खिलाफ नाजायज झूठा मुकदमा कुछ लोगों के कहने से या किसी झूठी बातों के आधार पर बनवाया है उसको जल्द से जल्द खारिज किया जाए। ये हम पुलिस प्रशासन से खासतौर से नूह से खासतौर से SP बिजराने साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, एक ईमानदार ऑफिसर है और मुकदमे की साफ इंक्वायरी करके हम लोगों को इसमें से निकाला जाए।